नमस्कार छात्रों, मैं घासीराम रेगर गवर्नमेंट रामचंद्र खेतान पॉलिटेक्निक कॉलेज हेड ऑफ डिपार्टमेंट आर्किटेक्चर से मैं आपको AR202 मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर का शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का जो चैप्टर है उसमें सेकंड इसका लेक्चर है जो विभिन्न प्रकार की जो बीम्स होती है उनका शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे ड्रा करते हैं। क्योंकि आप लोग सब यहाँ से डिप्लोमा करने के बाद में आर्किटेक्ट बनोगे और आपको ये ध्यान होना चाहिए कि कोई भी अगर बिल्डिंग है उसकी बालकोनी निकली हुई है तो बालकोनी का प्रोजेक्शन कितना होता है और उस प्रोजेक्शन की वजह से उसका जो फिक्स एंड होता है बालकोनी जो होती है वो कैंटिलीवर जैसी होती है, उसका एक एंड तो फ्री होता है दूसरा फिक्स एंड होता है, तो उसके फिक्स एंड पे किस प्रकार से लोड आता है और उसका मोमेंट कितना होता है, तो ये हम शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो अभी एक पहले एग्जांपल एक लिया है जिसमें एक ए और बी एक कैंटिलीवर है, इसका स्पान टोटल 5 मीटर है, इसमें सी और डी पॉइंट पर 1 किलोन्यूटन व 2 किलोन्यूटन लोड लग रहा है, हमें इसका शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रा करना है। तो इसके लिए हमें लेंगे शियर फोर्स 8B, जो फ्री एंड है वो उसका बी है, तो बी एंड पे जो शियर फोर्स देंगे तो इस पे चूंकि यहाँ पर 2 किलोन्यूटन फोर्स लग रहा है तो शियर फोर्स जो नीचे की ओर डायरेक्शन लग रहा है इसलिए इसको हम प्लस 2 किलोन्यूटन लेंगे। फिर लेंगे शियर फोर्स 8D, यहाँ पे ये 2 किलोन्यूटन का लग रहा है एंड इट इज अगेन डाउनवर्ड डायरेक्शन, सो इट इज ऑल्सो प्लस टू मीन्स प्लस 4 किलोन्यूटन। शियर फोर्स 8C, ये सी पॉइंट है इसका, सी पॉइंट पे जो शियर फोर्स है वो 1 किलोन्यूटन लग रहा है, तो यहाँ पे जो शियर फोर्स है वो एक और जुड़ जाएगा, ये भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, सो शियर फोर्स 8C इज प्लस टू प्लस वन इट इज प्लस 5 किलोन्यूटन। नाउ द शियर फोर्स 8A, इसका फिक्स एंड है, यहाँ पे जो शियर फोर्स है क्योंकि सी और ए के बीच में कोई फोर्स नहीं लग रहा है इसलिए यहाँ पर भी 5 ही रहेगा, सो 8A प्लस 5 किलोन्यूटन, देर इज नो फोर्स बिटवीन सी एंड ए, सी और ए के बीच में कोई फोर्स नहीं है इसलिए इसका 5 ही रहेगा। फिर इसका हम शियर फोर्स डायग्राम ड्रा करेंगे, तो पहले हम लोग क्या करते हैं इसकी एक ही बेस लाइन ड्रा कर ली और यहाँ पे 2 किलोन्यूटन का, ये 2 किलोन्यूटन का हमने पहले वर्टिकल लाइन खींची, फिर बी और डी के बीच में कोई फोर्स नहीं है इसलिए यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी, अगेन जैसे डी पर आए 2 और जुड़ गया तो यहाँ 4 हो गया, ये वर्टिकल 4 हो गया, फिर डी से सी के बीच में कोई फोर्स नहीं है तो सी तक हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी और सी पर आते हैं यहाँ 5 हो गया, हमने देखा नहीं अब सी पर 5 हो गया तो यहाँ पर 5 हो गया और सी और ए के बीच में कोई फोर्स नहीं इसलिए हॉरिजॉन्टल लाइन आ गया और यहाँ भी 5 किलोन्यूटन रहेगा फोर्स है ए पॉइंट पर भी, इस तरह का इसका ये पूरा बेस लाइन के ऊपर रहेगा, सो हम प्लस लेते हैं और इसका पॉजिटिव शियर फोर्स डायग्राम ड्रा करते हैं, ये इसका शियर फोर्स डायग्राम है। अब इसी बीम का हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम लेंगे, तो बेंडिंग मोमेंट जब लेंगे तो आप ध्यान रखिएगा कि फ्री एंड पे बेंडिंग मोमेंट हमेशा 0 होता है, यहाँ पे एंड बी जो फ्री एंड है इसका बेंडिंग मोमेंट इसलिए 0 होता है कि यहाँ पे बी पॉइंट पे जो फोर्स लग रहा है 2 किलोन्यूटन, बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस, ये फोर्स इज 2 किलोन्यूटन बट डिस्टेंस इज 0, सो 2 मल्टीप्लाई बाई 0 इज 0, सो बेंडिंग मोमेंट 8B इज इक्वल टू -2, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन जा रहा है ये तो बेंडिंग मोमेंट में माइनस वाले को जो डाउनवर्ड डायरेक्शन है उसको माइनस लेते हैं तो -2 इंटू 0 इज इक्वल टू 0, सो बेंडिंग मोमेंट 8B 0 होगा, यहाँ पे फ्री एंड पे 0 होगा। फिर लेंगे बेंडिंग मोमेंट 8D, तो बेंडिंग मोमेंट डी पे लेंगे तो डी पे जो फोर्स लग रहा है उसका बेंडिंग मोमेंट तो 0 हो जाएगा और ये बी पे जो फोर्स लग रहा है इसका बेंडिंग मोमेंट आएगा, यहाँ फोर्स लग रहा है 2 किलोन्यूटन का और डिस्टेंस यहाँ पे 1 मीटर और चूंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन इसलिए इसको -2 लेकर के और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो ये बेंडिंग मोमेंट 8D आएगा -2 इंटू 1 मीन्स -2 किलोन्यूटन इंटू मीटर। इसके बाद में हम इसको सी पॉइंट पे लेंगे, बेंडिंग मोमेंट सी पॉइंट पे लेंगे तो ये जो दोनों फोर्स इनका बेंडिंग मोमेंट आएगा, पहले तो यहां पर 2 किलोन्यूटन फोर्स लग रहा है और इसकी सी से डिस्टेंस, फिर यहां डी पर 2 किलोन्यूटन लग रहा है इसकी सी से डिस्टेंस, सो बेंडिंग मोमेंट एट सी -2 इंटू 2 सी से लेंगे तो यहां पर ये 2 किलोन्यूटन और इसकी 2 डिस्टेंस आ गई, सो 2 इंटू 2 और फिर माइनस यहां पर ये -2 इंटू ये 1, सो -2 इंटू 2 -2 इंटू 1 इज इक्वल टू ये -6 किलोन्यूटन मीटर हो गया। बेंडिंग मोमेंट 8A लेंगे
तो बेंडिंग मोमेंट एट ए पे लेंगे तो ये तो तीनों फोर्स है, इनकी ए से डिस्टेंस मल्टीप्लाई करेंगे बेंडिंग मोमेंट के लिए, तो जब बी पे लेंगे तो टू इंटू यहाँ से डिस्टेंस फाइव, फिर डी पे लेंगे तो टू इंटू डिस्टेंस थ्री, और जब सी पे लेंगे तो वन किलोन्यूटन इंटू डिस्टेंस टू मीटर। सो इस तरह से बेंडिंग मोमेंट एट ए लेंगे तो माइनस टू इंटू फोर, फिर माइनस टू इंटू थ्री, माइनस वन इंटू टू, इस तरह से माइनस 16 किलो न्यूटन इंटू मीटर हो गया। ये इसका बेंडिंग मोमेंट आ गया, वेरियस पॉइंट्स पे आ गया, बेंडिंग मोमेंट बी पर आ गया, डी पे आ गया, सी पर आ गया, ए पर आ गया। तो बेंडिंग मोमेंट चूंकि सभी जो है माइनस में नेगेटिव साइड के हैं, तो यहाँ पे ये जो बेस लाइन है इसके यहाँ पे जीरो, बी पर, डी पर माइनस टू, सी पर माइनस सिक्स, और ए पर माइनस 16। तो इस तरह से यहाँ पर ए को डी से मिलाएंगे, डी को फिर सी से मिलाएंगे, सी से ये यहाँ पर ए को मिलाएंगे, और ये हेचिंग लाइन से दिखाएंगे, ये नेगेटिव में आएगा और ये इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है। इसी प्रकार ओवर हैंगिंग बीम का देखिएगा, वन एंड ओवर हैंगिंग बीम, ओवर हैंगिंग बीम जो यहां से यहां तक तो सिंपली सपोर्टेड जैसी होती है ए और बी बिंदु पर, परंतु इसके किसी एक एंड पे, एक साइड में इसका जो होता है वो ओवर हैंग होता है। ओवर हैंगिंग बीम बोथ एंड भी हो सकती है और वन एंड भी हो सकती है। ये जो एग्जांपल है वन एंड ओवर हैंगिंग का है, वन एंड ओवर हैंगिंग में ये एक ए और बी एक बीम है जिसका स्पान यहां से यहां तक 4 मीटर है और आगे 2 मीटर इसका ओवर हैंगिंग है। इसमें जो फोर्स लग रहा है यहां पर डी बिंदु पे लग रहा है 6 किलोन्यूटन, और ए से सी तक इसका 20 किलोन्यूटन पर मीटर यूडी लग रहा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लग रहा है। ऐसे क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे जिसके शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रा करेंगे। तो शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रा करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट द रिएक्शन, रिएक्शन एट ए आर ए एंड रिएक्शन एट बी आर बी। सो आर ए एंड आर बी इज इक्वल टू टोटल जो लोड ऊपर आ रहा है वो कितना है, तो ये एक किलो एक मीटर का भार 20 किलो न्यूटन है, तो 2 मीटर पे है तो 20 इंटू 2 ये हो गया, प्लस 6 किलो न्यूटन यहाँ पर ये लग रहा है तो 6 ये हो गया, तो टोटल इसका 46 किलो न्यूटन। सो मोमेंट इसका आर ए प्लस आर बी 46 किलो न्यूटन हो गया। अब टोटल जो है आर ए आर बी वो तो 46 किलो न्यूटन है, बट आर ए एंड आर बी का हमें इंडिविजुअल इसका लोड निकालने, आर ए पे कितना आ रहा है और आर बी पे कितना आ रहा है। सो वी हैव टू टेक द मोमेंट अबाउट ए, हमें ए के अबाउट मोमेंट लेना है। सो ए के अबाउट जो मोमेंट लेंगे तो आर बी ऊपर की ओर जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, सो आर बी इंटू डिस्टेंस 4 मीटर, सो आर बी इंटू 4 ये एंटी क्लॉकवाइज है, इज इक्वल टू क्लॉकवाइज में, क्लॉकवाइज में एक तो ये यूडीएल आ रहा है 20 इंटू 2 तो लोड हो गया, क्योंकि एक मीटर का भार 20 है, ये 2 मीटर है तो 20 इंटू 2 ये हो गया, और जब मोमेंट लेते हैं तो इसका सेंटर पॉइंट लेते हैं, 2 का सेंटर पॉइंट 1 हो गया, तो 20 इंटू 2 इंटू 1 प्लस ये जो 6 किलो न्यूटन इसकी ए से डिस्टेंस, ये जो 6 मीटर है तो प्लस 6 इंटू 6, और ये नीचे ब्रैकेट में लिखा भी है यूडीएल के केस में मोमेंट लेते समय कुल भार को मिड पॉइंट की दूरी से गुणा करते हैं। सो इस तरह से आर बी कैलकुलेट, आर बी 19 किलो न्यूटन एंड आर ए इज 27 किलो न्यूटन, आर बी 19 किलो न्यूटन एंड आर ए 27 किलो न्यूटन। नाउ शियर फोर्स डायग्राम, तो अब शियर फोर्स डायग्राम लेंगे तो हमें शियर फोर्स डायग्राम में शियर फोर्स एट डी, ये तो फ्री एंड है, इस पे फोर्स लग रहा है 6 किलो न्यूटन का, 6 किलो न्यूटन, तो यहां पे डी पे प्लस 6 डाउन डायरेक्शन में इसके प्लस आ गया। नाउ द शियर फोर्स एट बी, बी पे है तो यहां पर 19 किलो न्यूटन रिएक्शन और ऊपर की ओर है, सो यर प्लस 6 माइनस 19, सो माइनस 13 किलो न्यूटन। फिर शियर फोर्स एट सी इज इक्वल टू सेम वही माइनस 13 रहेगा, क्योंकि सी बी और सी के बीच में कोई फोर्स नहीं है इसलिए माइनस 13 रहेगा। मैं लिखा भी इसमें बी से सी के बीच में कोई बल नहीं लग रहा है इसलिए वही वैल्यू रहेगी जो बी पर है। नाउ द शियर फोर्स एट ए, और ए पर यहां पर निकालेंगे तो ए पर चूंकि हमें पता है कि यहां पर 27 है इसके ऊपर रिएक्शन, और आप वैसे भी इसका निकालोगे ए पर, तो ये प्लस 6 माइनस 19 प्लस 20 इंटू 2 करोगे तो इज इक्वल टू प्लस 27 किलो न्यूटन, आर ए की रिएक्शन के बराबर आएगा। सो अब इसके हम शियर फोर्स डायग्राम ड्रा करेंगे, तो यहां पे डी पे प्लस 6, फिर डी से बी तक कोई फोर्स नहीं है, ये भी 6 है, और जब बी पर जैसे आए तो यहां पर माइनस 19, तो ये माइनस में
6 कम हो गया और ये -13 आ गया यहां पे, फिर यहां से बी से सी तक कोई फोर्स नहीं है, वो जैसे सी पर है तो इससे यूडीएल आ गया। तो यूडीएल के केस में हमेशा ये इसकी इंक्लाइन लाइन आती है और यहां +27 है, +27 यहां पे है और यहां -13 है, इनको हम मिला दिया। तो एक ही ध्यान रखिएगा कि जब भी हम शियर फोर्स डायग्राम ड्रा करेंगे तो यूडीएल के जो जहां पर यूडीएल लग रहा है वहां हमेशा तिरछी लाइन आएगी, इंक्लाइन लाइन आएगी। अब इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रा करना है, सो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रा करेंगे तो हम बेंडिंग मोमेंट लेंगे, पहले बेंडिंग मोमेंट डायग्राम डी पे लेंगे, डी पे। तो ये फ्री एंड है, जैसे कि अभी मैंने कैंटिलीवर केस बताया था, तो फ्री एंड में बेंडिंग मोमेंट 8d जीरो, यहां पर फोर्स तो लग रहा है बट डिस्टेंस जीरो, सो बेंडिंग मोमेंट जीरो रहेगा। फिर बेंडिंग मोमेंट 8b, बी पर जब आए तो यहां पर 6 × 2 और ये मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगिंग हो रहा है, इसलिए बेंडिंग मोमेंट 8b -6 × 2 -12 किलो न्यूटन टू मीटर हो गया। फिर बेंडिंग मोमेंट 8c, जब सी पे लेंगे, यहां पे सी पे लेंगे तो यहां पे दो फोर्स लग रहा है इसी सी के राइट साइड में, एक तो 6 किलोमीटर नीचे की ओर लग रहा है और एक 19 किलो न्यूटन ऊपर की ओर लग रहा है। सो बेंडिंग मोमेंट एट सी -6 × 4 +19 × 2 +14 किलो न्यूटन इंटू मीटर। बेंडिंग मोमेंट 8a लेंगे, यहां पे बेंडिंग मोमेंट 8a, तो बेंडिंग मोमेंट 8a तो यहां सिंपली सपोर्टेड है तो यहां पे जीरो होगा, बेंडिंग मोमेंट 8a = 0, AG सिंपली सपोर्टेड बीम। अब हमने क्या किया, इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हमने ड्रा किया, यहां बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रा किया इसका, तो यहां पर डी पे इसका जीरो, फिर बी पे, बी पर हम देखा कि -12, तो यहां पर बी पे -12 और फिर यहां से ये यूडीएल, यहां से सी तक स्ट्रेट लाइन आएगी और यहां पर सी पर 14 आ रहा है, पॉइंट सी पे +14 आ रहा है, तो +14 ऊपर गया, ये स्ट्रेट लाइन है, यहां से लेकर ये स्ट्रेट लाइन है, और जैसे सी पे गए तो सी से ए तक ये आएगा, कर्व आएगा, क्योंकि ये यूडीएल है तो यूडीएल के केस में बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में ऑलवेज कर्व आएगा, सेकंड डिग्री कर्व आएगा इसका। अब ये जो कर्व आएगा इसमें, ये जो पूरा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हमने देखा कि एक यहां पर जो पॉइंट पी है, ये जो पॉइंट पी, ये पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्चर होता है, पॉइंट पी नॉन है तो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्चर, और पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्चर में ये होता है कि उसको कहते हैं जहां पर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम अपना साइन चेंज करता है उसको हम पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्चर कहते हैं। सो ये एग्जाम में मेनी टाइम्स पूछा गया है पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्चर क्या होता है, इसको हिंदी में नति परिवर्तन बिंदु बोलते हैं, नति परिवर्तन बिंदु उस बिंदु कहते हैं जहां पर बेंडिंग मोमेंट प्लस से माइनस या माइनस से प्लस की ओर जाता हूं, जहां साइन चेंज करता हूं उसे हमें नति परिवर्तन बिंदु या पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्चर बोलते हैं। अब हमें एग्जाम ये पूछते हैं कि ये पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्चर की किसी एक सपोर्ट से दूरी बताओ, ये इसकी लोकेशन क्या है, तो हमने यू माना कि ए से ये अगर पॉइंट पी जो है ए से अक्ष डिस्टेंस पे है, अक्ष डिस्टेंस पे, तो अब पी पॉइंट पर यहां बेंडिंग मोमेंट जीरो होगा, तो लेट पॉइंट पी एक्स मीटर फ्रॉम लेफ्ट सपोर्ट, सो देर विल बी जीरो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट पी। सो मोमेंट अबाउट पी हमने लिया तो 27 × x, या 27 रिएक्शन 27 है और हम पी से ले रहे हैं, तो 27 × इसको दूरी से मल्टीप्लाई, 27 × x -20 × 2 जो यूडी लग रहा है, 20 × 2 और इसकी डिस्टेंस जो है यहां से पी से वो एक्स माइनस 1 हो जाएगी, क्योंकि मिड पॉइंट से लेंगे ना इसकी, तो x माइनस 1 = 0, इस तरह सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 3.077 मीटर। सो पॉइंट पी इन नॉन एट द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।